हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि पिछली कुछ कक्षाओं में हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा था कि मात्राएं कैसी होती हैं, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं और हम उन मात्राओं का किन किन शब्दों में व किन किन वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की ये क्लास हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, थोड़ी सी मज़ेदार। सो आज की इस क्लास में, आज की इस कक्षा में हम कहानी पढ़ेंगे, कहानी पिकनिक। तो बच्चों, पिकनिक पे तो जाना सबको अच्छा लगता है। जब आपके पापा की छुट्टी होती है या आपके पापा काम से थोड़ा सा फ्री होते हैं, आपकी मदर, आपकी मामा काम से थोड़ा सा फ्री होती हैं, तो वो आपको घुमाने ले जाते हैं। दैट्स कॉल्ड पिकनिक। हम उसे पिकनिक बोलते हैं जब आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या फिर अपने टीचर्स के साथ घूमने जाते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने जाते हैं, उसको हम पिकनिक बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 14, पिकनिक कहानी। रविवार का दिन था, आज किसी को भी काम पर नहीं जाना था। सब मौज मस्ती करना चाहते थे, तो बिल्ली बोली, चलो आज हम सब पिकनिक मनाएं। चूहा, चिड़िया, चींटी सब एक स्वर में बोल पड़े, हाँ हाँ चलो पिकनिक मनाएं, आज कुछ अच्छा बनाएं। दैट मीन्स बिल्ली अपने सारे फैमिली मेंबर्स, अपने सारे दोस्तों को, चूहा, चिड़िया, चींटी इत्यादि लोगों को पिकनिक मनाने के लिए लेकर गई और कुछ अच्छा पकाने का प्लान बनाया। तो बिल्ली बोली, मैं तो दूध लाऊंगी। चूहा बोला, मैं चावल लाता हूँ। चींटी ने कहा, मैं चीनी ले आऊंगी। चिड़िया बोली, मैं लकड़ी चुन लाती हूँ। सब ने कहा, चलो तो फिर आज खीर बनाते हैं। जब बिल्ली दूध ला रही है, चूहा चावल ला रहा है और खीर में चीनी, ताकि वो थोड़ी सी मीठी हो जाए। चींटी चीनी लेकर आ रही है और चिड़िया लकड़ी चुनकर ला रही है, जिससे उन्हें खीर बनाने के लिए आग की जरूरत पड़ेगी। तो लकड़ी से ही तो आग लगेगी। तो चिड़िया लकड़ी लेकर आती है, जिससे खीर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो वो बरगद के पेड़ के नीचे सभी अपना सामान लेकर पहुंचे। सब ने मिलकर आग जलाई। बिल्ली ने पतीले में दूध को गरम किया। चूहे ने चावल को साफ करके गरम दूध में डाल दिया। दूध में चावल पकने लग गए। थोड़ी देर में भी वहां खुशबू फैलने लग गई, मतलब खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी, खीर इतनी स्वादिष्ट बन रही थी, तो खीर की खुशबू से सभी के मुंह में पानी आने लगा। चीनी डालते हुए बिल्ली बोली, लो खीर तो तैयार हो गई। चूहा बोला, मुझसे अब नहीं रहा जाता, थोड़ी चखने को जी चाह रहा है। तो चिड़िया ने उसे डांट के बोला, थोड़ा सा धैर्य रखो, अगर तुम गरम खीर खाओगे तो तुम्हारी जीभ जल जाएगी। थोड़ी देर में सब खाने बैठे। खाते खाते सब बोल पड़े, वाह कितनी स्वादिष्ट खीर है, कितनी बढ़िया खीर है, आज तो मजा ही आ गया। तो बच्चों, कहानी में बिल्ली, चूहा, चींटी और चिड़िया चारों लोग मिलके पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक में वो खीर बनाने का सोचते हैं। तो खीर बनाने के लिए सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते हैं। जैसे चींटी चीनी लेकर आती है, बिल्ली दूध लेकर आती है, चूहा चावल लेकर आता है और चिड़िया लकड़ी लेकर आती है, जिससे वो चारों मिलकर खीर बनाते हैं और खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इन सबको खीर खाकर मजा आ जाता है। चलिए अब कुछ शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, पिकनिक मतलब सैर सपाटा, स्वादिष्ट जिसका स्वाद अच्छा हो, मतलब जो चीज हमें खाकर मजा आ जाए, जो चीज हमें टेस्टी लगे, उसे हम स्वादिष्ट बोलते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आप लोगों को करना है। सो मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। खुशबू, बढ़िया, जीभ, खीर, बिल्ली,
चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुत लेख। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप लोगों को लिखकर अभ्यास करना है, तो मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू कीजिए। सो पहला शब्द है चावल। च आ व ल, चावल। अगला शब्द है पतीला। प त ई ल आ, पतीला। अगला शब्द है दूध, जिसको पीने से आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हमें रोज सुबह ब्रेकफास्ट में दूध पीना चाहिए। नेक्स्ट है पिकनिक। प ई क न ई क, पिकनिक। तो बच्चों चलो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी पिकनिक कहानी पढ़ी, तो बस उसी कहानी से रिलेटेड थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हम पिकनिक किस दिन मनाते हैं? वेरी गुड, हम पिकनिक छुट्टी वाले दिन यानी रविवार के दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है कहानी में पिकनिक मनाने के लिए किसने कहा था? वेरी गुड, बिल्ली ने। खीर कैसी बनी थी? स्वादिष्ट, खीर स्वादिष्ट बनी थी। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और कहानी में से उसका आंसर ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, बिल्ली चूहे चींटी और चिड़िया ने पिकनिक किस दिन मनाई थी? वेरी गुड, रविवार के दिन। नेक्स्ट इज बिल्ली क्या लाई? पिकनिक के लिए बिल्ली क्या लाई थी? दूध। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चावल कौन लाया? चावल लाने के लिए किस जानवर ने कहा था? वेरी गुड, चूहे ने। तो बच्चों, सब ने मिलकर क्या चीज बनाई थी पिकनिक पर? क्या चीज पकाने का प्लान बनाया था? वेरी गुड, खीर। सबने मिलकर खीर बनाने का प्लान बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीन, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इस खाली जगह पर उसका जवाब लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। क, सो बच्चों, रविवार का, वेरी गुड, दिन था। ख, सबने कहा चलो आज क्या मनाएं? वेरी गुड, पिकनिक। बिल्ली ने पतीले में क्या गरम किया था? दूध। नेक्स्ट इज वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर है। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न चार, हम रविवार को ही पिकनिक क्यों मनाते हैं? तो बच्चों बताओ, हम पिकनिक सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि दिनों में क्यों नहीं मनाते? क्योंकि रविवार के दिन सबकी छुट्टी होती है। जैसे हमारे पापा ऑफिस से छुट्टी पर होते हैं, हमारी मदर भी उस दिन लीव पर होती हैं, और आप लोगों की भी स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए अक्सर लोग रविवार के दिन ही पिकनिक मनाने जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए।
ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, खीर बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, तो हमें इन चीजों में से आइडेंटिफाई करना है कि किन किन चीजों की जरूरत हमें खीर बनाने के लिए लगती है। तो बच्चों, क्या हमें दूध की जरूरत खीर बनाने के लिए लगती है? यस, वेरी गुड। चीनी? यस, चीनी से हमारी खीर मीठी और स्वादिष्ट बनती है। गेहूं? क्या हम खीर में गेहूं डालते हैं? नहीं, तो हम इस पे क्रॉस कर देंगे। दही? क्या आप खीर में दही भी डालते हैं? नहीं, तो हम इस पर भी क्रॉस कर देंगे। नमक? क्या खीर में नमक डलता है? नहीं, क्योंकि अगर हम खीर में नमक डालेंगे तो उससे खीर नमकीन हो जाएगी। चावल? वेरी गुड, हम खीर बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा रंग भरिए। 8 इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 6, चित्रों को देखकर रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ एक बिल्ली और चूहे का चित्र दिया गया है और यहाँ पर इन चित्रों में साफ सफाई के साथ अपनी किताबों में इनमें रंग भरना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। सो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।